विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जो हैं चुनावी मैदान में हैं और जनता से वोट की अपील भी कर रहे हैं। पंचकुला से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञान चंद गुप्ता ने कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रमोहन विश्नोई के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल चंद्रमोहन से कहा था कि पंचकुला को पेरिस बनाया जाएगा। इसको लेकर ज्ञान चंद गुप्ता का कहना है कि 15 सालों में अब उनको पंचकुला को पेरिस बनाने की याद आई है, जनता झूठे बहकावे में नहीं आने वाली है। आज भाई चंद्रमोहन को पंचकुला को पेरिस बनाने की बात जो है याद आई, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो 4 बार पंचकुला से विधायक रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन उस समय पंचकुला को पेरिस बनाने के लिए उन्होंने क्या काम किया और आज 15 साल के बाद वो यहाँ पर पंचकुला में फिर से आए हैं पेरिस बनाने के लिए। आज मैं समझता हूँ कि फिर से जनता उनके झूठे बहकावे में आने वाली नहीं।